हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आपका एडवांस कला में। दोस्तों, आज ये पुराने दुपट्टे से हम बहुत ही प्यारा सा रीयूज करेंगे, बहुत ही यूजफुल। सबसे पहले दुपट्टे को सेंटर में से हमें फोल्ड कर लेना है। अब दोबारा से हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हमें 12 इंचेस पे कॉर्नर से लेके यहाँ तक मार्क करना है और पूरे राउंड में से एक सर्कल हमें कट करना है ऐसे मार्क करते हुए। देखिए, हमें ऐसे मार्क करते जाना है पूरे राउंड में। अब हम ये सर्कल कट कर लेंगे। अब ऊपर की ओर से हमें ये जो कॉर्नर है ना, वहां पे 2.5 इंचेस पे मार्क करना है और ऐसे मार्क करके हमें यहां से कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, ऐसा हमें कपड़ा लेना है और ऐसे यहाँ से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें पहले अच्छे से बिछाना है और फिर हमारे पास जो सर्कल हमने पिंक कलर का कट किया है उसे इस तरीके से रखना है। देखिए यहाँ से, तो ये इसका जो लंबाई है वो 10 इंचेस है, तो हम इससे 5 इंचेस बड़ा रखेंगे तो हम नाप लेते हुए 15 इंचेस रखेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से रखना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक से हमें 15 इंचेस पे मार्क करते हुए जाना है कुछ इस तरीके से, और पूरे राउंड में ऐसे हमें मार्क कर देना है और हमें दूसरा सर्कल निकाल लेना है, जो दूसरा कलर है ना उसका। तो देखिए, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से लेके लास्ट तक कट कर लेंगे और यहाँ से हमें ऐसे फोल्ड करके दूसरी साइड भी रख के अच्छे से फिर कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा कट हो गया है और इसे अच्छे से सेंटर में रख के, जो सेंटर है वहां से भी हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा कट हो गया है। अब हमें इस तरीके से रखना है और स्टिच करके दोनों पार्ट को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ऊपर की ओर जो है नेट वाला फैब्रिक उसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नीचे का जो फैब्रिक है उसे भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे दोनों हमारे फोल्ड हो गए हैं। अब हमें ऐसा कपड़ा लेना है, ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। अब हमें फोर फोल्ड करना है, तो इसकी लंबाई है 11 इंचेस। अब हमें शोल्डर लेने हैं 5 इंचेस और आर्म होल लेना है 5 इंचेस और हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। और नेक का मार्क हम 2.5 इंचेस पे करेंगे और 3 इंचेस पे हमें डीप जाना है और राउंड शेप ले लेना है। तो अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है रेडी। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और ये जो दुपट्टा था उसका नीचे का बचा हुआ था वो पार्ट की हमें ऐसे स्ट्रिप निकालनी है और नेक में हमें ऐसे प्लेट लेते हुए लगानी है। इस तरीके से हमें ये जो स्ट्रिप है वो लगानी है। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टिच करके स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी अटैच हो गई है। अब हम क्रॉस में कटी हुई पाइपिंग लेंगे और नीचे की ओर से पूरे राउंड में स्टिच करनी है। देखिए, यहाँ पे हमने पूरे राउंड में स्टिच किए हैं और यहाँ पे जोड़ भी लिया है। अब हम ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए, यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे जो आर्म होल है वहाँ पे ऐसे फोल्ड करके स्टिच करना है। तो दोनों साइड हमारा स्टिच हो गया है। अब हम साइड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, दोनों में हमने साइड में स्टिच किया है। अब हम नीचे का पार्ट लेंगे, उसे ऊपर के पार्ट के अंदर इन करेंगे, फिर पूरे राउंड में स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने जोड़ लिया है। अब हम फ्रॉक को सीधा करेंगे। तो देखिए, कितना ब्यूटीफुल और प्यारा सा हमारा बेबी फ्रॉक हो गया है और ये 6 ईयर गर्ल के लिए है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।